दोस्तों आज हम लूट इस नेपाली मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। हमारे चैनल पर जो नेपाल से मित्र जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इस फिल्म को देखने के लिए कहा था और रिव्यू करने के लिए कहा था, तो इतनी बढ़िया फिल्म मुझे सजेस्ट करने के लिए मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लूट ये 2012 की एक नेपाली क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मल्टी टैलेंटेड निश्चल बस्नेत सर ने। जिस प्रकार से बॉलीवुड में मुंबई को एक ड्रीम सिटी की तरह दिखाया जाता है, उसी प्रकार से लूट में काठमांडू को एक सपनों के शहर की तरह दिखाया गया है, जहां पर रोज कई सारे युवा अपने सपने पूरे करने के लिए और पैसे कमाने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही 5 युवाओं की ये कहानी है जो बहुत ही जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे रास्ता कोई भी हो। हकू काले नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, जो बैंक रॉबरी का एक प्लान बनाता है और इस प्लान को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए उसे 4 और लड़कों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही 4 लड़कों को वो यहाँ पर खोजता है जिन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, जो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं। तो ऐसे 4 लड़कों को वो इकट्ठा करता है इस प्लान को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए। दोस्तों स्टोरी हमें काफ़ी फ्लैट लगती है, काफ़ी सिंपल लगती है, लेकिन सच में आप इमोशनली टच हो जाते हैं इसके एक एक कैरेक्टर के साथ में। और इस स्टोरी में ट्विस्ट और टर्न भी काफ़ी सारे हैं जो एक हमें फिल्म की शुरुआत से लेकर के आखिर तक इस फिल्म को हम देखते समय कहीं पर भी बोर नहीं होते हैं। इस फिल्म की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है। एक एक कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी को हमारे सामने जिस प्रकार से दिखाया गया है, उस वजह से हम हर एक कैरेक्टर के साथ इमोशनली टच हो जाते हैं और हम दिल से चाहते हैं कि यार इनको जो प्रॉब्लम्स है वो इनके प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। इस प्रकार से हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं एक एक कैरेक्टर के साथ में। और जो रियलिस्टिक नेचर है इस फिल्म का, वो बात मुझे इस फिल्म की सबसे बढ़िया लगी। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन ये फिल्म देखते समय मुझे लिटरली अनुराग कश्यप जी की याद आ रही थी। जिस प्रकार से इस फिल्म का टोन है, जो रॉ फुटेजेस लिए गए हैं, जो रियलिस्टिक लोकेशंस लिए गए हैं, कुछ चेसिंग सीन भी इस फिल्म के इतने ज़्यादा खूबसूरत है, उन चेसिंग सीन को देखकर ही मुझे अनुराग कश्यप जी की याद आई थी। और कैमरा वर्क इतना ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मतलब सच में एक्सेलेंट कहना पड़ेगा, इतना बढ़िया कैमरा वर्क यहाँ पर किया गया है। फिल्म की एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, ये सारी बातें काफ़ी अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा की गई है, ऐसा हमें हर समय महसूस होता है। बहुत ही मैच्योर वर्क हम इसको कह सकते हैं। फिल्म को जिस प्रकार से एक अडल्ट टोन दिया गया है, जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की गई है, वो कहीं पर भी हमें वल्गर नहीं लगती है। और जो हम डेली रूटीन में जो जिस प्रकार से भाषा का उपयोग करते हैं, जैसी बातें करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें वहाँ पर महसूस होता है। कहीं पर भी जो एक पतली रेशा होती है ना वल्गर और एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में, वो बिल्कुल यहाँ पर मेंटेन की है डायरेक्टर ने। सच में हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत ही मेहनत ली है, तभी इतने कम बजट में भी वो इतनी बढ़िया फिल्म बना पाए हैं। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो गोफले नाम का कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जो निभाया है दयहंग राय ने। सच में बहुत ही नेचुरल और टैलेंटेड एक्टर है दयहंग राय, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। गोफले के अलावा हकू काले नाम का जो कैरेक्टर है, जो निभाया है सौगत मल्ला ने, वो कैरेक्टर भी मुझे काफ़ी पसंद आया और उनकी एक्टिंग भी मुझे बहुत ही पसंद आई। इसके अलावा पांडे और ऋचा की लव स्टोरी को भी बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर डेवलप किया गया है। एक्टिंग, स्टोरी, डायरेक्शन, इन सब बातों के अलावा ये फिल्म देखते समय मुझे एक अपनापन महसूस हो रहा था। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं भारत से बाहर की कोई फिल्म देख रहा हूँ। कल्चरली भी कोई भी डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया और इसी वजह से मुझे ये फिल्म देखते समय एक अपनापन महसूस हो रहा था। दोस्तों नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है और लूट मेरी पहली नेपाली फिल्म है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मैं डेफिनेटली और भी ज़्यादा नेपाली मूवीज़ देखना चाहता हूँ। तो जो भी नेपाल के भाई मेरा ये रिव्यू देख रहे हैं, आप मुझे और भी बढ़िया बढ़िया नेपाली मूवीज़ के नाम सजेस्ट कीजिए देखने के लिए, मैं ज़रूर उनका रिव्यू करना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।